हेलो सेलर्स, आज हम सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पर ऐसी लिस्टिंग्स की डिटेल्स को कैसे एडिट करते हैं जो फ्लिपकार्ट लिस्टिंग क्यूसी में फेल हो गई हैं या जिनमें लिस्टिंग क्रिएशन एरर है। सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट पर लॉगिन करें। लिस्टिंग टैब के अंदर माई लिस्टिंग पर क्लिक करें और एड न्यू लिस्टिंग सिलेक्ट करें। इस पेज पर आपको लिस्टिंग इन प्रोग्रेस वाली सारी लिस्टिंग्स उनके स्टेटस के साथ दिख जाएंगी। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लिस्टिंग कैसे ऐड करते हैं और ये भी सीखा था कि लिस्टिंग अपलोड करने के दो तरीके होते हैं, सिंगल लिस्टिंग और बल्क लिस्टिंग। तो उसी तरह से लिस्टिंग एडिट भी दो तरीके से हो सकती है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि किसी सिंगल लिस्टिंग में इनकरेक्ट लिस्टिंग को कैसे एडिट करते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले सिंगल लिस्टिंग ऑप्शन पर जाएं, उसके बाद फिल्टर बाय स्टेटस ऑप्शन पर जाकर क्यूसी फेल्ड या एरर ऑप्शन पर क्लिक करें। जब भी आप क्यूसी फेल्ड या एरर ऑप्शन चूज करते हैं तो वो सभी प्रोडक्ट्स उस पेज पर आ जाएंगे जिनके लिस्टिंग अपलोड करने में कोई एरर आया हो। इसके बाद आप ब्लू फाइल पर क्लिक करके प्रोडक्ट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस आइकॉन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां आप प्रोडक्ट डिटेल्स और एरर डिटेल्स दोनों देख सकते हैं। इसके बाद उस प्रोडक्ट में आवश्यक चेंजेस करने के लिए रेड प्रोडक्ट एरर आइकॉन पर क्लिक करें। जरूरी चेंजेस करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें और चेंज्ड फाइल को क्यूसी के लिए भेजें। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप सिंगल लिस्टिंग में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि बल्क लिस्टिंग में एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले बल्क लिस्टिंग ऑप्शन पर जाएं, उसके बाद फिल्टर बाय स्टेटस ऑप्शन पर जाकर क्यूसी फेल्ड या एरर ऑप्शन पर क्लिक करें। आप जिस प्रोडक्ट में चेंजेस करना चाहते हैं उसके बल्क रिक्वेस्ट आईडी के लेफ्ट हैंड साइड में बनी ब्लू कलर की तीन लाइंस पर क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा बल्क लिस्टिंग में चेंजेस करने के लिए। इस पेज पर जाकर लास्ट रिक्वेस्टेड फाइल डाउनलोड करें। लिस्टिंग में कोई भी एडिटिंग करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप केवल लास्ट फाइल ही डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप लास्ट रिक्वेस्टेड फाइल के साथ बने दूसरे ऑप्शन यानी रिक्वेस्ट डाउनलोड टैब पर क्लिक कर सकते हैं। जो चेंजेस आप करना चाहते हैं उसे करने के बाद अपलोड फाइल पर क्लिक करके फ्रेश फाइल को अपलोड करें ताकि क्यूसी चेक पूरा हो सके। अपलोडिंग के दौरान फाइल का नाम चेंज ना करें। इस शीघ्र और आसान प्रोसेस की मदद से आप लिस्टिंग की किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अन्य फ्लिपकार्ट प्रोसेस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।